हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबीजे टेक में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप अपने जीमेल के कॉन्टैक्ट अगर आपके डिलीट हो जाते हैं, आपके मोबाइल से भी डिलीट हो जाते हैं, तो उसको आप किस तरह से रिकवर कर सकते हो उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अपना जीमेल आईडी आपके मोबाइल के साथ, आपके एंड्रॉयड डिवाइस के साथ अगर सिंक्रोनाइज करके रखा है, तो आपके कॉन्टैक्ट को रिकवर कर पाना आसान हो जाता है अगर आपके कॉन्टैक्ट जो है आपके जीमेल आईडी के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तो फोन मेमोरी में जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसको अगर डिलीट हो जाते हैं तो उसको आप ऑनलाइन रिकवर कर सकते हो जीमेल की मदद से। तो जीमेल की मदद से रिकवर करने के बारे में प्रोसीजर हमने बताई है और इसके पहले भी वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कॉन्टैक्ट जो है वो किस तरह से जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो जीमेल अकाउंट से। तो जीमेल अकाउंट से अगर आप अपने कॉन्टैक्ट जिप फाइल में डाउनलोड करना चाहते हो और उसको बाद में फिर एक्सट्रैक्ट करके अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हो, तो इसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं कि जीमेल से किस तरह से कॉन्टैक्ट आप अपने जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। जब भी आप अपना मोबाइल चेंज करते हो तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको बस वो फाइल जो है वो आपके अदर मोबाइल में पेस्ट कर देना है। तो चलिए जान लेते हैं, मेरे मोबाइल के ऊपर मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपके कॉन्टैक्ट की जिप फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको यहां पर आपके जीमेल अकाउंट में आना है। तो दोस्तों, जीमेल अकाउंट में आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, आपके कॉन्टैक्ट अगर डिलीट हो जाते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से किसी और मोबाइल में आप अपने कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हो तो वो भी आप अपने इस जिप फाइल की मदद से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और मैनेज योर गूगल अकाउंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेटा एंड पर्सनलाइजेशन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डेटा एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन के ऊपर आपको आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड योर डेटा ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड योर डेटा के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपके बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके सभी ऐप का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जितने भी गूगल के अकाउंट आपके अकाउंट में लिंक है। तो यहाँ पर आपको ये डीसेलेक्ट कर लेना है और डीसेलेक्ट करने के बाद आपको खाली कॉन्टैक्ट्स जो है उनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट जो है वो वी कार्ड फॉर्मेट में सेव होंगे। आप चाहे तो यहाँ से आपको CSV फॉर्मेट में भी उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर CSV फॉर्मेट शो होने लगेगा और चाहे तो आप वी कार्ड के फॉर्मेट में भी इसको रख सकते हो। तो यहाँ पर वी कार्ड फॉर्मेट शो होगा। तो अभी यहाँ पर हमारा टिक हो चुका है और यहाँ पर आपको नीचे में आना है और नीचे में आने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पर ये ऑप्शन है एक्सपोर्ट वंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये जो डेटा है आप दो तरह से डाउनलोड कर सकते हो, एक तो जिप फाइल में और या फिर .tzz फॉर्मेट में ये सेव कर सकते हो। और यहाँ पर 2 GB तक के फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट एक्सपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डाउनलोड के ऊपर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड एक बार एंटर कर लेना है और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो डेटा है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर फाइल्स में आ जाता हूँ और मेरे डाउनलोड फोल्डर में वो जो डेटा है वो शो होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये टेकआउट नाम का जो फोल्डर है वो वही है जिप फाइल। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अनजिप करने के लिए मैंने विनजिप नाम का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है मेरे मोबाइल में। ये 3 दिन की इसकी जो है वैलिडिटी है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो $9.99 में परचेस कर सकते हो। तो ये 3 दिन का फ्री ट्रायल है। मैं फ्री ट्रायल से ही काम चलाता हूँ क्योंकि हमें बार बार थोड़ी ना ये सब चीज़ें करनी है, एक ही बार हमें एक्सट्रैक्ट करना है, बाद में अनइंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर ट्राई फॉर फ्री इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू टू ऐप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके जो कॉन्टैक्ट की जो VCF फाइल है यहाँ पर आप देख सकते हो,
allcontacts.vcf इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप कोई अपना ईमेल आईडी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये आपके सभी आपके ईमेल आईडी में इंपोर्ट होने लग जाते हैं। आप vcf फाइल को किसी को भेज सकते हो, मेल कर सकते हो और या फिर अनजिप भी कर सकते हो। यहाँ पर अनजिप के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके फाइल में आपके स्टोरेज में कहीं पे भी आप इसको अनजिप कर सकते हो। यहाँ पर मैं माय फाइल्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और अनजिप हियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेकआउट नाम का फोल्डर जो है वो ओपन हुआ है। तो इस तरह से ये सभी कॉन्टैक्ट .vcf फाइल में भी यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर .vcf भी फाइल बनी है। जिस ईमेल आईडी के में आपको आपके कॉन्टैक्ट जो है वो इंपोर्ट करना है, वहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके उसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको आपके .vcf फाइल में कॉन्टैक्ट zip फाइल में डाउनलोड कर लेना है और ये आप अपने कंप्यूटर में लेके भी इसको आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो और आपके कंप्यूटर में भी ये हमेशा के लिए आप सेव रख सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।